अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नूरी साल के मुतल्लक। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। साइंस का एक मामूली तालिब इल्म भी इस बात से वाकिफ़ है कि रोशनी एक सेकेंड में 186,000 मील यानी 300,000 किलोमीटर का फासला तय करती है। चूँकि एक हकीकी साल में 3,15,56,880 सेकंड होते हैं, इसलिए इस तादाद को 186,000 में ज़रब देने से पता चलता है कि एक साल में रोशनी तकरीबन 0.5 खरब मील यानी 95 खरब किलोमीटर का फासला तय करती है। अब अगर कोई जगह ऐसी हो जहां से रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में एक साल लग जाए तो ज़मीन से उस जगह का फासला 60 खरब मील समझा जाएगा। इस फासले को नूरी साल यानी लाइट ईयर कहा जाता है। चुनाचा जब कहा जाए कि फलां सितारे का फासला एक नूरी साल है तो समझा जाएगा कि इस सितारे से चलकर रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में एक साल लग जाता है। फासले को नूरी साल क्यों कहा जाता है या इस फासले को नूरी साल ही क्यों बनाया गया था? क्योंकि खला में फासला काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से अगर हम सितारों के फासले के साथ यानी किलोमीटर या मील से बयान करें तो ये अदादोशुमार इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि समझ में आना बंद हो जाएंगे और इन्हें लिखना और बार बार पढ़ना दुश्वार हो जाएगा। इस वजह से दूर दराज वाक़ सितारों के फासले को नूरी साल से वाजा किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये इंशाल्लाह ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए बहुत सारी मालूमात। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।